चेंबूर शताब्दी अस्पताल में संत निरंकारी चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से स्वच्छ भारत अभियान की एक मुहिम चलाई जा रही है, जिसमें सैकड़ों निरंकारी भवन के कर्मचारी इसमें शामिल हुए हैं और यहाँ के नगर सेवक अनिल पाटंकर इसमें मौजूद रहे। देखा जा रहा कि शताब्दी अस्पताल की जो एरिया है उसे सही तरीके से साफ किया गया। शताब्दी हॉस्पिटल में चकाचक अभियान छेड़कर पूरे हॉस्पिटल परिसर को साफ कर दिया गया। लगभग 600 से ज्यादा लोग मिलकर हॉस्पिटल परिसर को साफ करने में मदद किए। संत निरंकारी बाबा उर्फ बाबा हरदेव सिंह जी के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में संत निरंकारी चैरिटेबल ट्रस्ट के लोगों ने साफ सफाई अभियान चलाकर बाबा को याद किए। स्थानीय नगर सेवक अनिल पाटनकर की अगुवाई में किए गए इस कार्यक्रम में साफ सफाई के अलावा हॉस्पिटल की हरियाली बनाए रखने के लिए वृक्षारोपण का कार्यक्रम भी किया गया। सैकड़ों पेड़ लगाए गए। सफाई करने वाले सेवादार है, हमारे चैरिटेबल फंड मेंबर्स हैं। सदगुरु बाबा हरदेव सिंह महाराज जी के 64वां जन्मदिन के उपलक्ष्य में पूरे देश में 564 हॉस्पिटल के ये साफ सफाई का अभियान छिड़ा है, उसमें से महाराष्ट्र में भी और मुंबई में करीब करीब 30 के ऊपर 32 तक ये हॉस्पिटल की सफाई चल रही है। उसमें से विशेष करके आज जो सफाई का अभियान इस क्षेत्र को मिला है सेक्टर 13 के अंडर ये शताब्दी हॉस्पिटल का, तो सुबह से लगभग 700-800 सेवादल के बहन भाई बच्चे छोटे छोटे वो भी अंदर बाहर सेवा करते हैं, तो ये हमको जो सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ विद्यमान सदगुरु माता सविंदर हरदेव जी की कृपा से ये सेवा मिली है। तो तहे दिल से आप सबका सादर आमंत्रित है जो भी इस सेवा में, क्योंकि प्रदूषण जो अंदर भी और बाहर भी दोनों भी घातक होते हैं। तो हाँ, कल जो है 23 तारीख को सदगुरु बाबा हरदेव सिंह महाराज का जन्मदिन था, तो उन्हीं के याद में आज जो है पूरे भारतवर्ष में ये स्वच्छता अभियान का हॉस्पिटल जो भी सरकारी हॉस्पिटल हैं वो उनकी सफाई करने का ये योगदान इस मिशन से हो रहा है चैरिटेबल फाउंडेशन की ओर से, और ये लगातार हर साल करते आ रहे हैं। मेरा नाम मोहन गुंडू है और मैं यहाँ का सेक्टर संयोजक संत निरंकारी मंडल की ओर से वो सेवा में लगे। संत निरंकारी चैरिटेबल ट्रस्टचा 64वा हरदेव जी महाराजांचा जन्मोत्सव वाढदिवस म्हणणार नाही, वाढदिवस आम्ही जे सर्वसामान्य लोकांचे वाढदिवस केले जातो। खरं म्हणजे हे संत आज महात्मा एक ज्यांचा आम्ही जन्मोत्सव साजरा करतो आहे चॅरिटेबलच्या माध्यमातून, आणि चॅरिटेबल हे गेले कित्येक वर्ष ह्या देशात नव्हे पूर्ण जगामध्ये त्यांचं काम कार्य चालू आहे, पण आज गेली 10 वर्ष तरी आम्ही ह्या चॅरिटेबलबरोबर मोहनजी आणि त्यांचे सर्व सुरेशजी असतील विलासजी असतील चंद्रकांत सर्व त्यांच्या कार्यकर्त्यांबरोबर आम्ही दरवर्षी अशा प्रकारे साफसफाई असेल लोकांना सत्संग असेल प्रत्येक माध्यमातून आरोग्याची सुविधा असेल हे अहोरात्र चालू असतं, मिशन चालू असतं, मिशन कधी का थांबत नाही कामापासून। आज यंदाचा जन्मोत्सव त्यांनी पूर्ण मुंबईतली रुग्णालय सफाई मोहीम घेतलेली आहे आणि आज त्या निमित्ताने आम्ही या शताब्दीमध्ये आज सफाई आणि खरं म्हणजे मिशन चालवणाऱ्यापेक्षा मिशन करते जे तुम्ही बघता ही सगळी 700-800 लोकांची टीम निस्वार्थीपणे, आणि हे काम असं आहे ना सफाईचं काम असेल असं आहे ना की जे ज्याला महिन्याला पगार मिळतो तोसुद्धा तो पगार रेग्युलर घेतो पण कामामध्ये थोडीतरी कुचराई होते, पण या मिशनच्या माध्यमातून निस्वार्थीपणे ही लोकं अशा प्रकारे, आणि हा एक संदेश आहे, हा जगाला दिलेला एक संदेश आहे। स्वच्छता पहिली असणंही महत्त्वाचं आहे, कारण स्वच्छता असेल तिथं आरोग्य चांगलं आरोग्य वास करतं, आणि त्याची सुरुवात जर करायची असेल तर रुग्णालय हे सर्वात महत्त्वाचं साधन आहे, त्यामुळे मिशनचा हा उपक्रम इथे आहे आणि मिशनच्या माध्यमातून बरेचसे उपक्रम आम्ही करत असतो। शताब्दी हॉस्पिटल का जल्द ही कायाकल्प होने जा रहा है। सुपर स्पेशलिटी की सुविधाएं और 600 से ज्यादा बेड की क्षमता वाला हॉस्पिटल बन जाएगा। हॉस्पिटल प्रशासन भी इस साफ सफाई अभियान और वृक्षारोपण के कार्यक्रम से काफी खुश नजर आया। इस कार्यक्रम में किए गए संत निरंकारी और नगर सेवक के काम की सराहना भी किए। बाबा हरदेव सिंह उर्फ निरंकारी बाबा के जन्मदिन पर
पूरे देश में आज साफ सफाई अभियान चलाया जा रहा है। कचरा साफ कर जन्मदिन मनाना अपने आप में सराहनीय कार्य है। शताब्दी गुगनालय में आज संत निरंकारी चैरिटेबल ट्रस्ट फाउंडेशन ने उनके बाबा का जो 64वां जन्मदिन है उनकी उनको याद में रखे जो ये स्वच्छता अभियान आज किया है उसके लिए मैं आप सबका बहुत धन्यवाद करती हूँ और बहुत बहुत शुक्रिया। जन्मदिन के लिए मुबारक हो। और ये जो आपने अभियान किया है आज ये सबके लिए आदर्श है और सबके लिए उत्साह प्रोत्साहन देने वाला काम है ये। और ऐसे ऐसे ऐसा ही काम आप करते रहो, उसमें हमारा सहभाग आप कीजिए। और जो भी आपको हमारे से कुछ भी मदद चाहिए या जो भी आप सहभाग हमसे चाहिए उसमें हम आपको ज़रूर उसमें सहभाग हो जाएंगे। और शुक्रिया अगेन फिर से करती हूँ, आपने बहुत बहुत सेवा से ये काम किया है। और ऐसा काम तो मतलब हमारे यहाँ लोग करते हैं लेकिन हमारे लोगों को थोड़ा सा क्या होता है कि लोग कम पड़ते हैं काम करने के लिए, तो इसके लिए इतना हॉस्पिटल का आवागा बड़ा है, हॉस्पिटल में लोग आने जाने वाले ज़्यादा है तो इतना स्वच्छता रखना हमारे से नहीं होता है, तो आपकी मदद से आज बहुत हॉस्पिटल स्वच्छ हुआ है। धन्यवाद, शुक्रिया। निरंकारी चैरिटेबल ट्रस्ट माध्यम हा 64वा बाबांचा वाढदिवस साजरा करता दरवर्षीप्रमाणे प्रत्येक वर्षी यांचा कार्यक्रम मिशनच्या थ्रू हा कार्यक्रम चालू असतो। तुम्ही सकाळपासून बघाल जर जवळजवळ 700 ते 800 संपूर्ण साफ करत आहेत आणि साफ करताना काय फक्त थुंकी म्हणजे जेव्हा हॉस्पिटलमध्ये पेशंट येतात पेशंटच्या बरोबर रिलेटिव्ह असतात पण त्यांना ते कळत नाही की ही प्रॉपर्टी आहे, ही आपल्यासाठीच आहे, पब्लिक प्रॉपर्टी आहे, हे आपल्यासाठीच आहे, आरोग्य आपल्यासाठीच आहे, ते सांभाळायला पाहिजे पण हे लक्षात येत नाही। पण हे मिशनच्या माध्यमाने आज इथे साफसफाई होते, दरवर्षी होत असते, यांचा जन्मोत्सव दरवर्षी साजरा करत असतात। जाधव मॅडम आहेत, प्रत्येक वेळेला मदत करत असतात, पेशंट आमच्याकडे पण येत असतात, ऑफिसमध्ये प्रत्येक वेळी त्यांना फोन करत असतो आणि त्यांचंही खूप इकडे लोक एकदम भरपूर आहे, खरं जॉब असला तरीसुद्धा ते खूप मेहनत करत असतात। मोहनजी साहेब आहेत, त्यांचंही दरवर्षी या कार्यक्रमात मिशनच्या थ्रू कार्यक्रम चांगला करतात। कॅमेरामॅन आनंद गौड के साथ राज पांडे, सीएन न्यूज, मुंबई। We'll be right back.